हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटी या पराठे। इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें आटा प्लस बेसन, ज़ीरा, अजवाइन, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा ऑयल, नमक और बारीक कटी हुई प्याज। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पानी से गूंथ लीजिए और डो बना लीजिए। इस तरह का डो बन जाएगा। इसको रेस्ट दीजिए, पेड़े बनाइए और इसकी रोटी बेल लीजिए। रोटी आप इसकी थोड़ी छोटी साइज़ की बेलिएगा और ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, इस तरह से। अब हम इसको फ्राई करते हैं। या तो आप सादी रोटी बना लीजिए, रोटी की तरह पका लीजिए इसको, या फिर अगर आप पराठे पसंद करते हैं तो थोड़ा सा घी और ऑयल लगाकर इसको पराठे की तरह फ्राई कर लीजिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इतनी प्यारी इसमें से इस वक्त खुशबू आ रही है, इतना लजीज ये बनता है। ज़रूर इस देसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा अपनी। तो जनाब, ये अपना गोल्डन कलर ले रहा है और पराठा, बेसन का पराठा आपके सामने, देखिए कितना हसीन गोल्डन कलर इसने ले लिया है। चलें रायता बना लेते हैं। इसके लिए हरी मिर्चें, प्याज, ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, इन सारी चीज़ों को दही में मिला के फेंट लीजिए और इसका रायता बना लीजिए। इसके अलावा इसके साथ लहसुन और लाल मिर्च की चटनी भी बनाई जाती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन बनाना बताऊँगी। तो जनाब, ये रायता तैयार हो गया इसके साथ। अब हम आपको दिखाते हैं कि तैयार शुदा पराठे और ये रायता एक साथ रखकर कैसा लगता है। लीजिए, बेसन के पराठे, रायता, प्याज, सलाद, जो भी आपके पास हो, अचार, आप इसमें अचार भी रख सकते हैं एक साथ खाने के लिए। तो जनाब, ये आपके सामने थाल रखा है, चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं बेसन की रोटी या पराठा कैसा बना है। इसको थोड़ा सा रायते में डिप करते हैं और खा के बताती हूँ मैं कैसा है। माशाल्लाह, इट्स सो यमी, बे इंतहा लजीज है। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। सी सिंपल सी, सादा सी देसी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।